वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे इस वीडियो में हमारे TCS ऑन कैंपस एग्जाम का जो रिव्यू था, कैसे गया एग्जाम, किस टाइप के क्वेश्चन थे और कैसे था पैटर्न, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न हमें TCS NQT के अंदर भी आएगा। सो अभी हम स्क्रीन पे जाते हैं। सो गाइस, आज का जो टेस्ट का पैटर्न था TCS का, TCS का ये ऑन कैंपस ड्राइव था। बहुत सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में था एंड इसका जो पैटर्न था वो जानेंगे। और उसके पहले जानेंगे ये जो टेस्ट था वो था इन सेंटर। सो ये रिमोट टेस्ट नहीं था, इन सेंटर था। और ये जो टेस्ट का जो टाइमिंग था वो था 3 आवर्स। हाँ, 3 आवर्स थे। 3 आवर्स के अंदर हमें 2 सेक्शन सॉल्व करने थे और हर एक सेक्शन के अंदर अलग सेक्शन थे। समझो अभी 2 सेक्शन थे। फर्स्ट जो था वो था फाउंडेशन सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शन जो था वो था एडवांस सेक्शन। सेकेंड सेक्शन था वो था एडवांस सेक्शन। और एडवांस सेक्शन के अंदर भी जानेंगे हम लोग, पहले फाउंडेशन सेक्शन का जानेंगे। फाउंडेशन सेक्शन के अंदर 3 सेक्शन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी जो 3 सेक्शन थे वो कैसे थे, फर्स्ट था वो था मैथमेटिकल एबिलिटी था, इसको हम लोग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड था। सेकंड था वो था वर्बल एबिलिटी, थर्ड था वो लॉजिकल रीजनिंग था। ओके, और इसका जो टाइमिंग था वो 65 मिनट था। उसके बाद एडवांस सेक्शन के अंदर टोटल 4 सेक्शन थे। हाँ, 4 सेक्शन। अभी 4 सेक्शन कैसे थे, फर्स्ट था वो था एडवांस क्वांटिटेटिव, इसके अंदर 10 क्वेश्चन थे। सेकेंड जो था वो था एडवांस रीजनिंग, इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 कोडिंग के क्वेश्चन थे, कोडिंग 1 और कोडिंग 2। अभी इसके जो कोडिंग के क्वेश्चन थे ना, उसके अंदर 4 ऐसे सब पार्ट्स थे। अगर आपको सी में देना है कोड तो आप फर्स्ट सेक्शन चूज करो, सी प्लस प्लस देना है तो सेकेंड सेक्शन चूज करो, जावा में देना है तो 3rd सेक्शन, अगर पाइथन में देना है तो 4th सेक्शन। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही चीजें थे। जो कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसके लिए थे 20 मिनट्स और जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके लिए 35 मिनट। ओके, तो इस प्रकार आपको टाइमिंग था और इसके अंदर भी सेम था वैसे ही। सो आपको क्या था, ये आपको टोटल पेपर कितना था, मतलब इसके 3 सेक्शन थे और इसके अंदर आप बोल सकते हो 4 सेक्शन। कैसे 4, पहले था एडवांस क्वांटिटेटिव, एडवांस रीजनिंग, फर्स्ट था कोडिंग क्वेश्चन 2 और कोडिंग क्वेश्चन 2। अभी जिसके जो क्वेश्चन थे मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क इसके ऊपर थे। और इसके जो वर्बल एबिलिटी हमारे नॉर्मल की, कैसे वर्ड मतलब कौन से जगह कौन सा वर्ड होना चाहिए, कौन से सेंटेंस का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, EDMs, ये सारी चीज़ें थी। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डायरेक्शंस के बारे में था, उसके बाद क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में था, अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, फिर जो हमारे जो डायग्राम्स थे, डायग्राम्स का फ्लो कैसे होगा, मतलब नेक्स्ट डायग्राम का क्या होगा। उसके अलावा कोड डिकोड था, मतलब आपको एक कोड दिया होगा और उसका सेकेंड पार्ट भी दिया होगा और आपको ढूंढना है कि इस कोड का सिमिलर कैसा कोड है। सो इस प्रकार एक क्वेश्चन का पैटर्न था और आप बोल सकते हैं पेपर मोस्टली मॉडरेट था, मतलब एकदम भी इजी भी नहीं था और एकदम भी हार्ड भी नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा लग रहा था कि जो फाउंडेशन लेवल के जो क्वेश्चन है उससे फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे कुछ, और एडवांस सेक्शन के ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन ईजी थे और 3 क्वेश्चन हार्ड थे। ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें आपको MCQ नहीं, उसके जगह आपको आंसर देना है। मतलब समझो कुछ चीज़ का अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको उधर नंबर डालना है कि 1527, या अगर समझो लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा था कि इसका कोड जो है आपको ऐसे लिखना है कि 80512 ऐसा जो कोड हो सकता है, या XYZ ऐसा कोड हो सकता है। सो इस प्रकार थे। हर एक सेक्शन के अंदर 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको MCQ का ऑप्शन नहीं था, आपको राइट करने उसके आंसर। सो इस प्रकार थे। और जो कोडिंग के क्वेश्चन थे, सो रिमेम्बर दैट कोडिंग का जो पार्ट था, सो कोडिंग का जो पार्ट था ना वो कैसा था। सो कोडिंग के पार्ट में 2 क्वेश्चन थे, एक था वो 20 मिनट का और सेकेंड जो था वो था 35 मिनट का। अभी क्या था पता है, इसके अंदर दो है ना पब्लिक टेस्ट केस थे, ऐसे टेस्ट केस थे जो आपको दिखेंगे, और क्या बोलते हैं 5 टेस्ट केस प्राइवेट थे। हाँ, 5 टेस्ट केसेस प्राइवेट थे। सिमिलर इसमें भी ऐसा था कि उसमें से आपको टेस्ट केस पास होने चाहिए, अगर पास हुए तो अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है डिजिटल के इंटरव्यू के लिए। अगर नहीं होता तो भी, अगर एक दो भी होते हैं या कंपाइलेशन भी अच्छे से होता है, सो आपको चांस मिल सकता है निंजा का इंटरव्यू का। सो मुझे तो नहीं लगता दोनों में से किसी पे भी मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा, फिर स्टिल देखेंगे क्या आता है रिजल्ट। एंड जो एप्टीट्यूड था वो अच्छे से करो गाइस, क्योंकि मेरा अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है एप्टी का। लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छे से करो, लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है और एप्टी भी स्कोरिंग है। सो ये दोनों चीज़ें करो, क्या पता कोडिंग के क्वेश्चन आपको आए या ना आए, एटलीस्ट आपके 1-2 टेस्ट केसेस तो पास होने चाहिए, सो अच्छा होगा। एंड ये जो सेम पैटर्न है वो होगा TCS NQT के लिए, जो आपका TCS NQT है वो
आई गेस अगस्त में होगा या जुलाई एंड के अंदर या जुलाई मिड में होगा। सो प्रिपेयर फॉर दैट एंड इसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रेबिक्स का और इंडिया बिग्स एप्टीट्यूड के लिए। सो अच्छे से प्रिपेयर करो एंड ऑल द बेस्ट गाइस। ये था हमारा क्वेश्चन का पैटर्न एंड होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।